सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको हिंदुत्व का पार्ट होने के लिए। सर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदुत्व का पार्ट होने में कितना कुछ क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? बड़ा बहुत ही जिम्मेदारी भरा अनुभव रहा है और आई थिंक बहुत ही जिम्मेदार फिल्म है जो कि लोगों तक हिंदुत्व शब्द की के आसपास जो एक नैरेटिव बिल्ड हो चुका है कि हम केवल शब्द सुनते हैं और हमारे जहनों में एक तरह की इमेज, एक तरह की नैरेटिव सेट जो किया गया है इसके अराउंड वो आ जाता है। तो इस फिल्म की बहुत आवश्यकता है शायद हमें आज भारत में, जहाँ पर इस शब्द का जो असल मीनिंग है, जो ये जिस चीज़ के लिए ये शब्द वाकई खड़ा होता है हिंदुत्व, उसके बारे में लोगों तक जानकारी जाए और उन्हें वो समझ में आए कि इसका सार इसके पीछे क्या निहित है। और वही हमारी एक छोटी सी कोशिश है, उसकी पहल की है हमने हिंदुत्व चैप्टर वन से। मैं हिंदू हूँ और अब इसमें हमें वाकई शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है ये बोलने के लिए कि मैं हिंदू हूँ। सर लोकेशंस की बात करें तो काफ़ी कमाल के लग रहे हैं, कहाँ शूट हुई है, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे उस पर? फिल्म पूरी की पूरी उत्तराखंड में शूट हुई है, देवभूमि में शूट हुई है और इसीलिए इतनी खूबसूरत है क्योंकि देवों का आशीर्वाद प्राप्त है। अच्छा, तो मतलब हम बात करें लॉकडाउन की, लॉकडाउन पीरियड में हम सभी ने रामायण काफ़ी शिद्दत से देखा है, तो आप ये फिल्म करने से पहले या फिर फिल्म करने के दौरान कभी रामायण आपने देखा? अब देखना तो क्या, मैंने तो पूरे रामायण कर ली, श्री राम का रोल निभा दिया, अब उसमें देखना क्या है। पर डेफिनेटली जब भी आप देखिए रामायण महाभारत इनका चार्म ही है कि ये जब जब पर्दे पर आई हैं तब तब उतना ही प्यार उन्हें मिला है। इसलिए नहीं कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से बनाए गए, वो इसलिए क्योंकि वो जो टेक्स्ट है, वो जो हमारा हमारे माइथोलॉजी का जो चार्म है, वो है ही ऐसा कि वो हर वर्ग के लोगों को, हर आयु के लोगों को हर बार उतनी तरीके से अपनी ओर आकर्षित करता है। सर अपने यंग हैं और आप रोल निभा रहे काफ़ी पुराने टाइम का और इस यंग जनरेशन में आप हैं, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? नहीं, रोल तो जो फिल्म में रोल है वो तो बहुत ही कंटेम्प्रेरी है, बहुत ही यंग है, कॉलेज स्टूडेंट है। और हाँ, मैंने माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स बहुत किए हैं और मुझे मज़ा आता है करने में क्योंकि हमारा इतिहास और हमारी माइथोलॉजी है ही इतनी विशाल, इतनी प्रखर, और उसको उसके इतने नायक हैं, इतने सारे नायक, इतनी सारी कहानियाँ हैं हमारे पास जो शायद हमारे बच्चों तक जानी बहुत आवश्यक है, हर जनरेशन तक जाने की आवश्यकता है। और उसमें केवल हमें इतना करना चाहिए कि हर दशक में हमें हमारी इन्हीं कहानियों को नई जनरेशन तक ले जाने के लिए उसे नई तरीके से कहना चाहिए। सो लास्टली दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हिंदुस्तान के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हिंदुत्व देखें, क्या करें, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आप हिंदुत्व आइए और अपने सब परिवार आइए सबसे पहले तो, और जानिए कि वाकई हिंदुत्व जो शब्द है वो किन चीज़ों के लिए जाना चाहिए, किन चीज़ों को वो अपने अंदर निहित करके इतने सालों, इतने वर्षों से, हज़ारों वर्षों से यहाँ इस धरती पर है। और जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति सभ्यता है उसकी खूबी, उसकी खुशबू क्या है, आइए और प्लीज़ देखिए, जानिए और वाकई जानिए कि अगर आप हिंद के हैं तो आप हिंदू हैं और अगर हिंद के वासी हैं तो आपको आप ज़रूर हिंदुत्व देखना चाहिए। सर हिंदुत्व को लेकर लोगों की अलग अलग विचारधारा, आपको क्या लगता है? हमारी आशा है कि उनके विचारों में बदलाव आए और जिस तरह के विचार हैं हिंदुत्व केवल शब्द के अराउंड, मतलब हम बस खाली टाइटल भर रखा हमने हिंदुत्व और लोगों ने इतना कुछ समझ लिया, पहले देख लें, जान लें। और शायद यही वजह है कि हम हिंदुत्व को अभी तक अच्छी तरह से पहचाने ही नहीं है, हमने उसको जाना ही नहीं, उसके अराउंड एक नैरेटिव जो बिल्ड किया गया बस उसी को हमने मान लिया है। और आई थिंक ये अब समय आ गया है कि हम खड़े हों और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने वैल्यूज़ के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए और उसमें कोई बुरी बात नहीं।